नमस्कार देवियों और सज्जनों, हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से हमें अपडेट देखने को मिल चुका है जो हम सब लोग कीज जनरेट कर रहे थे उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट ने हमें एक अपडेट सूचना दी है, अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई देखो कुछ वीक्स पहले हमने प्लेग्राउंड सेक्शन लॉन्च किया। हाँ सही है, इन्होंने प्लेग्राउंड सेक्शन लॉन्च किया जो फ्यूचर हैमस्टर एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को प्रोटोटाइप करेगा। मतलब कि जब आपको एयरड्रॉप मिल जाएगा उसके बाद भी हैमस्टर कॉम्बैट में बने रहने के लिए आपको ये गेम्स खेलनी पड़ेंगी। मतलब लोग हैमस्टर कॉम्बैट को जानेंगे एक गेम के रूप में, इसलिए इन्होंने यहाँ पे गेम्स को लॉन्च किया था, प्लेग्राउंड वाला सेक्शन लॉन्च किया था। और हैमस्टर कॉम्बैट के साथ अब कुछ गेम्स इंटीग्रेट हो चुके हैं थ्रू कीज मैकेनिज्म। हैमस्टर कॉम्बैट के साथ कुछ गेम्स हैं जो कि थर्ड पार्टी गेम्स हैं, मतलब हैमस्टर कॉम्बैट की गेम्स नहीं हैं, वो कोई और फाउंडर्स हैं उनके साथ यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट किया क्यों है? एयर ड्रॉप के लिए, जिसके थ्रू हमें क्या मिलेंगी? कीज। सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है कीज मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने असली बात बोली है। हम क्लियर करना चाहते हैं कि कीज एयर ड्रॉप के साइज को इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, एयर ड्रॉप का जो साइज रहेगा उसके लिए आपको कीज को इकट्ठा करना है, लेकिन एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए कीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कीज इकट्ठा नहीं करते हो तब भी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, लेकिन एयर ड्रॉप का साइज थोड़ा छोटा होगा, आपको एयर ड्रॉप का रिवॉर्ड जो होगा उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर आप कीज भी कलेक्ट करते हो तो कीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके एयर ड्रॉप के साइज को बढ़ाने में। सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप कीज भी इकट्ठा करते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप कीज इकट्ठा नहीं करते हो तब भी आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकोगे, एयर ड्रॉप का रिवॉर्ड आप पा सकोगे, लेकिन अगर कीज आपके पास होंगी तो कुछ अच्छा वैल्यू मिल जाएगा। बस इतना कहना है इनका। अब इसके बाद उन्होंने बोला, फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए हम ज्यादा डिटेल अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं की जनरेशन सर्विस को और सब डिसऑनेस्ट तरीके से ऑब्टेंड आर्टिफैक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी सर्विस हैं जो कि आपको कीज जनरेट करके दे रही हैं, और इन्होंने ये भी साफ साफ बोला कि उसके खिलाफ हम क्या करेंगे ये अभी हम गुप्त रख रहे हैं, लेकिन जो भी डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी तरीके से आर्टिफिशियल जो चीजें ऑब्टेंड कर रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब अपकमिंग एयर ड्रॉप के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हिसाब साहब हैमस्टर कॉम्बैट की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल चुकी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जितनी आपने कीज़ इकट्ठी करी हैं वो चाहे ऑनेस्ट तरीके से है या फिर डिसऑनेस्ट तरीके से है, अगर आप कीज जनरेट कर रहे हो तो इसको आपको अभी बंद कर देना चाहिए और ईमानदारी से कीज को इकट्ठा करना चाहिए। इन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया कि भाई कीज ज्यादा होने से सिर्फ और सिर्फ आपके एयर ड्रॉप का साइज को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन पार्टिसिपेट आप जरूर से करोगे, एयर ड्रॉप तो आपको मिलने ही वाला है, लेकिन अगर आपके पास कीज होंगी तो आपको एक अच्छा एयर ड्रॉप मिलेगा, बस इतना ही है। वी होस्ट थर्ड पार्टी गेम्स एंड प्रोवाइड देम विद ए सिग्निफिकेंट बूस्ट इन डाउनलोड्स। हम यहाँ पे थर्ड पार्टी गेम्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और उन गेम्स को हम एक डाउनलोड्स में बूस्ट दे रहे हैं, और एज ए रिजल्ट दीज गेम्स राइज टू द टॉप ऑफ देयर कैटेगरीज एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग ट्रैफिक ऑर्गेनिकली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैमस्टर कॉम्बैट प्लेयर्स। सीधा सीधा मतलब यही है कि इसके नतीजे में यह निकला कि उन गेम्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अपनी अपनी कैटेगरीज में, और अब वो गेम्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर उनकी गेम्स प्ले स्टोर में जाकर के कोई सर्च कर रहा है तो वो टॉप पे रैंक कर रही हैं, और ये हुआ कैसे है? बिकॉज ऑफ हैमस्टर कॉम्बैट। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की अभी भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी कीज को जनरेट किया है उन लोगों को अभी कीज को जनरेट करना बंद कर देना चाहिए और ईमानदारी से गेम को खेलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपका परमानेंटली अकाउंट ही डिसेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा तो सिर्फ यही होगा कि जो आपने कीज उन बोर्ड से जनरेट की होंगी वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगी, क्योंकि ये कीज वाला मैटर सिर्फ 20% हिस्सा है गेम का, और इस 20% की वजह से 80% शायद वो खतरे में ना डालें, और जो कीज आपने उन कोड से जनरेट की होंगी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगी। आई थिंक ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये अभी फ्यूचर प्लान्स है, हैमस्टर कॉम्बैट ने यहाँ पे रिवील नहीं किया है। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि अभी आप कीज जनरेट करके गेम्स को खेलना बंद कर दें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय मित्रों।